गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं भारतीय फिल्म निर्माताओं, दर्शकों और सिनेमाघर संचालकों, संस्कृति मंत्री, फिल्म सेंसर बोर्ड और दूसरे सक्षम विभाग जो मॉनिटरिंग करते हैं इस तरह बातों में, सबसे ज़्यादा मैं फिल्म सेंसर बोर्ड को भी कहूँगा आज कि फिल्म निर्माण करने वालों को सलाह दी जाए कि जो पूर्व में फिल्में बनाई गई वो भी काफ़ी फिल्में ऐसी हैं जो राष्ट्र की छवि बाहर दर्शकों में अच्छी पेश नहीं करती हैं। ये देखने में आता है कि दंगल फिल्म जो आमिर खान अभिनीत फिल्म है उसमें बार बार खेल अधिकारी का चेहरा गंदे रूप में प्रदर्शित करना, दर्शकों के सामने दर्शाना, उसका रवैया उचित नहीं लगता। उचित नहीं बल्कि ये कहना पड़ेगा कि एक राष्ट्र की व्यवस्था का खोखलापन दर्शाता, अच्छा नहीं लगता वो बातें। तो आमिर खान का बार बार ये, और बहुत से जो खेल अधिकारी अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर दिन रात जो खिलाड़ियों खिलाते हैं और खेल प्रमोशन का स्पोर्ट्स प्रमोशन काम करते हैं राष्ट्र में, उनको भी इससे निराशा हाथ लगी है। किसी एक गुनाहगार के उदाहरण के आधार पर लाखों लोगों को लपेट लेना ठीक नहीं है। अच्छा ये होता कि उस सफल कहानी में अधिकारियों के सकारात्मक रूप को दिखाया जाता। कहते हैं ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट, आशावाद और निराशावाद, आशावादी चेहरा ज़्यादा अच्छा होता, और ऐसा है भी नहीं। काफ़ी बड़ी संख्या में आए, जब आप जाकर देखेंगे मैदान में तो एक से बढ़कर एक खेल अधिकारी और खिलाड़ियों को तैयार करने में लगे हुए हैं ईमानदारी से। और सरकारी सहयोग तो क्या, आमिर तो सरकारी सहयोग मांगने गया था, अपनी जेब से भी बच्चों की मदद करते नज़र आते हैं। दूसरा कहीं और उसको प्रमाणीकरण दे दिया गया, फिल्म सेंसर बोर्ड को इस बात को देखा जाना चाहिए था। दूसरा कहीं जाफरी और शेट्टी का दृश्य दिखा रखा है कि जाफरी पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में, सुनील शेट्टी को जो सुनील शेट्टी पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में फिल्म में, और जाफरी पुलिस कमिश्नर या वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका में है, अच्छी नसीहत नहीं दे रहे। अपराधियों से माफ़ी मांग लो, अपराधियों की रसूख वाले लोगों से ताल्लुक हैं, ये भी भारत के बहादुर सिपाहियों के लिए, भारत की बहादुर और चुस्त दुरुस्त पुलिस प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है छवि पेश करने के लिए। और बाहर तो बहुत ही गंदा रूप जाएगा, तो इस तरह सिर्फ धन बटोरने के लिए और राष्ट्र की इज्जत को बेच देना कहीं भी, या समाज को कमज़ोर कर देना कहीं ठीक नहीं है। कड़ा प्रतिवाद करता हूँ जाफरी और शेट्टी की इस दृश्य का कि जाफरी बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में जो भूमिका अदा की है वो काफ़ी निंदनीय है। ऐसी ढेर सारों और भी हमारी शिकायतें फिल्म सेंसर बोर्ड से, जोधा अकबर, पद्मावत, इस तरह की जो घृणित पुरानी सामाजिक बुराइयाँ थी, इसमें भारतीय महिलाएं इसको इनको देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुई। इनको मुट्ठी भर अपराधी मानसिकता के लोग हो सकता है खुशी जाहिर करते हों, परंतु ये दोनों फिल्में भी पुरानी और बहुत ही घृणित जो प्रथाएं परंपराएं या कहानियां घटनाएं की, वो भारतीय नारियों के लिए अच्छा चित्र पेश नहीं करती हैं, और ये भी ठीक नहीं किया गया है। इस तरह की जो फिल्में हैं उन पर फिल्म सेंसर बोर्ड और संस्कृति मंत्रालय और मंत्री से मैं कहूँगा कि जिम्मेदारी को निभाए, अच्छे से निभाए, ऐसी फिल्म को अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए।
जो राष्ट्र और समाज समाज में अच्छा संदेश लेकर न जाए और राष्ट्र की छवि बाहरी जो विदेशों में या बाहरी देशों में ठीक से पेश न करती हो। मैं फिल्म सेंसर बोर्ड से पुनः अनुरोध करूँगा कि इस तरह की जितनी फिल्में हैं उनको पुनः एक बार संस्कृति मंत्री जितने भी केंद्र और राज्य सरकारों में उनसे बैठ कर एक बार चर्चा कर ली जाए और जो दर्शनीय नहीं है नकारात्मक प्रभाव जो पैदा करती हैं उन फिल्मों को अविलंब रोक दी जाए और कलाकारों निर्माताओं की सहमति से रोक दी जाए। उन्होंने लगभग लागत को कमा लिया है, कम से कम अब रोक दिया जाए वो भी अच्छा है, प्रतिबंधित कर दिया जाए और इस बात को ज़्यादा आगे न परोसा जाए जिससे इससे अधिक इसका दुष्प्रभाव न पड़े। धन्यवाद।